बस आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पे। आज हम खेलने वाले हैं कमलिया गेम को। के अबे साले तभी सॉरी 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 मेरा मतलब है कमला गेम को। तो गेम अभी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे कमला देखने को मिलने वाली है और ये हॉरर गेम होने वाली है। तो डायरेक्ट लोडिंग आ रहा है और ये इसकी स्टोरी है, प्रतीक्षा आ रही है। और अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट गेम को। यहाँ पे हमको नमक मिल चुका है, नमक लेके हम आगे जाने वाले हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं आगे क्या मिलता है। तो पहले हम यहाँ पे उसे खोलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे और भी बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे हमको एक की मिलती है। अब एक की तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमें दूसरी की चाहिए। अब दूसरी की हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे मिलती है तो पहले डोर ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ मिले तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे की नहीं हमको देखने को मिल रही है तो आगे शायद हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे डोर ओपन करते हो, देखते हैं कहाँ पे है दूसरी की। तो दूसरी के लिए हमको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको दूसरी की भी मिल चुकी है। अब हमारे पास दूसरी दो की आ चुकी है तो हम आगे जाते हैं और यहाँ से उनको डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नमक लगा देते हैं और नमक जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो कंचना, सॉरी मेरे ख्याल से कमला कमला बाहर आ जाएगी। तो हम यहाँ से फटाफट भागते हैं और यहाँ पे आगे जाते हैं और यहाँ पे हम उस की का यूज़ करेंगे जिससे हम आगे जा सके। तो सबसे पहले हम आगे निकलते हैं, कमला है वहाँ पे ना है, ऐसे हम हमको जाना है। तो यहाँ पे आ चुके हैं आगे, यहाँ पे हेड वाले कमरे में और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक डोर मिलता है जो अनलॉक करना है, तो हमको डोर खोल दिया है। यहाँ पे हमको अगरबत्ती मिल जाती है, अगरबत्ती से हमको कलश चाहिए, कलश हमको यहाँ पे पूजा पाठ में यहाँ पे चाहिए होगा। तो हमसे पहले कलश ढूंढते, कलश यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे हम अगरबत्ती लेके यहाँ पे घूमते चारों ओर, देखते कहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगरबत्ती ऐसे हिलमिलाने लगेगी जैसे कलश यहाँ पे पास आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहाँ पे मिलता है कलश हमको। तो अभी तो हम अगरबत्ती लेके आगे जा रहे हैं, देखते कहाँ पे मिलता है कलश। यहाँ पे हम आके यहाँ पे हमको कलश मिल चुका है फाइनली। तो हम डायरेक्ट निकलते हैं और पूजा पाठ वाली जगह पे निकलते हैं, कमला ना है ऐसे देखते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट हम कलश यहाँ पे लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से कमला आ रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर छुप जाते हैं और देखते हैं कमला जैसे ही जाएगी, बस हम यहाँ पे कलश लगा देते हैं और यहाँ पे फटाफट भागते। और यहाँ पे जैसे कलश लग चुका है और कमला आएगी तो यहाँ पे भागते। और यहाँ पे हमको गंगा जल भी मिल चुका है तो हम गंगा जल यहाँ पे डाल देते हैं। और गंगा जल यहाँ पे आ जाते तो हमको तीन वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कमला का तो डर है वो हमको लग रहा है, क्योंकि कमला पाए आ जाएगी तो हमको मार देगी। इसलिए हम यहाँ पे पीछे पीछे ढूंढते। यहाँ पे दूसरी चीज़ भी कोई है तो यहाँ पे हमको थाली भी मिल चुकी है। तो हम डायरेक्ट अब पूजा पाठ वाली जगह पे यहाँ पे थाली भी लगा देते हैं जिससे हमारी चार चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या मिलता है। और यहाँ पे हमको यहाँ पे थाली वगैरह यहाँ पे लगा देते और कमला पीछे पास आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे इधर छुप के रहते। जैसे कमला जाएगी हम पीछे कोई चीज़ यहाँ पे निकाल लेते और यहाँ पे आगे ढूंढते ही क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी आ तो चुकी है। हमने यहाँ पे नमक लगा चुका है उसी, और गंगा जल आ चुका है, कलश आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पे हनुमान चालीसा भी बाकी हुई है तो यहाँ पे वो लेके हम हनुमान चालीसा भी हमको निकालनी है इस वाली जगह पर। तो हम पहले कोड देखते थे कि कौन सा कोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट राइट डाउन, और अब हम डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं और कोड लगा देते हैं जिससे हमको ये चीज़ सारी मिल सके और हमको हनुमान चालीसा भी मिल सके। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मंदिर जाते हैं और देखते हैं, और ये मुकुट है यहाँ पे लगा देते हैं, कोड डाल देते हैं यहाँ पे राइट राइट डाउन और नीचे और उप अप। और यहाँ पे हमको कपूर मिल चुका है, अब कपूर तो यहाँ पे मिल चुका है लेकिन हमको वो कोड भी चाहिए जिससे हम हनुमान चालीसा ले सके। तो यहाँ पे वो कोड देखते रहते कौन सा कोड यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमको कोड यहाँ पे देखने को मिल चुका है, वो कोड हमको आगे काम आएगा जिससे हम हनुमान चालीसा निकाल सके। तो यहाँ पे पहले हम कपूर लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हनुमान चालीसा के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं और यहाँ पे कपूर लगा देते।
तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा ही बाकी रहेगी। तो यहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, तो यहाँ पे कमला यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। तो हम फाइनली भागते और हनुमान चालीसा तक जाते, जैसे हनुमान चालीसा यहाँ पे आपको मिल जाती है तो यहाँ पे सब कुछ अब कम्प्लीट हो चुका है। चलिए अब एक और डालते हैं और डायरेक्ट हनुमान चालीसा यहाँ पे निकाल देते और वहाँ पे पूजा पाठ में लगा देते। तो कमला के अंदर से का भूत है वो भाग जाएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते और कोड डालते, और यहाँ पे हमको कोड डालने का रूम ढूंढना पड़ेगा कौन सी रूम में यहाँ पे कोड डालना है। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है, हम फाइनली अब कोड डाल देते जो हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमको 689 कोड डालना है और हनुमान चालीसा हमको मिल चुके हैं फाइनली। और हनुमान चालीसा लेकर हम डायरेक्ट यहाँ पे पाक चुके और डायरेक्ट हम पूजा पाठ वाली जगह पे जाते। अब ये आखिरी चीज़ है वो बाकी है, और हनुमान चालीसा हमको मिल चुके, मतलब कि सब किस चीज़ें आ चुकी है हमारे पास। अब जैसे हनुमान चालीसा यहाँ पे हम डालेंगे तो कमला के अंदर का भूत थे वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो ये फाइनली अब सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है और गेम अब पूरा हो चुका है। अब कमला के अंदर से सारा भूत है वो निकल जाएगा, देखते हैं देख। तो कमला यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जैसे ये कमला आएगी तो यहाँ पे उसके अंदर का भूत सारा जो है निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कमला के अंदर का भूत यहाँ पे निकल जाएगा सारा का सारा, हमने सारी चीज़ यहाँ पे उसके अंदर से निकाल ली है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही पे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा।